हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पॉइंटर की मदद से दो स्ट्रिंग को कंबाइन कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें दो स्ट्रिंग एंड पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से कैरेक्टर A20 B20 and *P। उसके बाद मैं CLR SCL ले देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं GetCH लिख देता हूँ। अभी जो स्ट्रिंग हमने ऊपर डिक्लेयर की है वो हमें यूजर के पास से रीड करनी है, तो उसके लिए मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ परसेंटेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट स्लैश एन और ए, जो हमें मल्टी वर्ड स्ट्रिंग रीड करके देगा। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गेटेस ए के इक्विवेलेंट है। अभी उसके ऊपर हम एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर अ फर्स्ट स्ट्रिंग। अभी सेम चीज हम सेकंड स्ट्रिंग के लिए भी लिख देते हैं, यानी कि उसके लिए मैं एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उसके अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ एंटर अ सेकंड स्ट्रिंग, और फिर उसके लिए मैं एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ जिस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज लिख रहा हूँ परसेंटेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट स्लैश एन और बी। अभी जब भी हम स्कैनफ स्टेटमेंट का यूज करें तो स्कैनफ स्टेटमेंट हमेशा बफर में से वैल्यू रीड करता है, यानी कि जब हम फर्स्ट स्ट्रिंग यूजर के पास से रीड करते होंगे और उसके बाद जब हम न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट करेंगे तो वो बफर में स्टोर होगा, यानी कि वो सेकंड स्ट्रिंग रीड नहीं करने देगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, लेट अस से फ्लश ऑल, जो हमें बफर को क्लियर करके देगा, यानी कि जब भी हम सेकंड स्ट्रिंग को रीड करेंगे उस वक्त फ्रेश वैल्यू रीड होके मिलेगी। अभी लेट अस से हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ए की वैल्यू हेलो है एंड बी की वैल्यू वर्ल्ड है, यानी कि अगर हम इन दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करें तो हमें आउटपुट के तौर पे लेट अस से हेलो वर्ल्ड मिलना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमें एक और स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट अस से C of 40। अभी ये दोनों स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को हम सेपरेट आउट करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि A of 0 H है, A of 1 E है, A of 2 L है, A of 3 L है, A of 4 O है, और जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग यूजर के पास से रीड करते हैं तो वो नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि A of 5 नल कैरेक्टर है। सेम चीज हम B के लिए सोचे तो B of 0 W है, B of 1 O है, B of 2 R है, B of 3 L है और B of 4 D है, एंड सेम वे ये स्ट्रिंग भी नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होगी, यानी कि B of 5 नल कैरेक्टर है। अभी इन दोनों स्ट्रिंग को हम C के अंदर मर्ज करते हैं, तो लेट अस से हम ऐसा कह सकते हैं कि C of 0 यानी कि A of 0, उसके बाद C of 1 यानी कि A of 1, उसके बाद C of 2 मींस A of 2, उसके बाद C of 3 मींस A of 3, उसके बाद C of 4 मींस A of 4। उसके बाद हमें नल कैरेक्टर को अभी कॉपी नहीं करना है क्योंकि उसके अंदर हमें सेकंड स्ट्रिंग को भी ऐड करना है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि C of 5 इज इक्वल्स टू B of 0, उसके बाद C of 6 मींस B of 1, C of 7 मींस B of 2, C of 8 मींस B of 3, C of 9 मींस B of 4 एंड C of 10 मींस B of 5। यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए हम 0 नंबर के इंडेक्स से 4 नंबर के इंडेक्स तक जाते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ कि फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन और इक्वल्स टू 4 और आई प्लस प्लस, और फिर उसके अंदर मैं लिखता हूँ कि C of i इज इक्वल्स टू A of 5। अभी 4 की जगह पे हम 5-1 लिखे तो भी चलेगा, और 5 और कुछ नहीं है लेकिन हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लू LA is equals to str len of A और फिर यहाँ पे लिखू LA-1, तो परफेक्टली वैलिड चीज है। अभी सेकंड स्ट्रिंग के लिए भी हम 5 से स्टार्ट करते हैं और 10 तक जाते हैं, और उसके सामने जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग है उसके 0 नंबर की इंडेक्स से स्टार्ट करके 5 नंबर की इंडेक्स तक जाते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी, दूसरा वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, और वहां पे हम 10 तक जाते हैं। यानी कि हम सिंपली लिखते हैं कि i < or = 10, और उसके बाद दोनों के अंदर हमने एक एक का इंक्रीमेंट किया, यानी कि i++ as well as j++। अभी इसके अंदर हम लिखते हैं कि C of i = b of j, जो कि परफेक्टली वैलिड है। अभी ही हमने देखा कि 5 और कुछ नहीं है लेकिन लेंथ ऑफ a है, यानी कि इसके लिए सिंपली हम लिख देते हैं कि la, और 10 और कुछ नहीं है लेकिन दोनों स्ट्रिंग की लेंथ का एडिशन है।
सो लेट अस से हम लेंथ ऑफ बी भी फाइंड कर लेते हैं कि एस टी आर एल ई एन ऑफ बी, और फिर 10 की जगह पे हम सिंपली लिख देते हैं कि एल ऑफ ए प्लस एल ऑफ बी। अभी लूप के अंदर हमने आई जे एल ए और एल बी ये चार वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन हमने उसको ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो लेट अस से हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं कि इंटीजर आई जे एल ए और एल बी। अभी नीचे हमने स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए str len फंक्शन का यूज किया है, और जब भी हम str len फंक्शन का यूज करते हैं तो हमें एक हेडर फाइल string.h ऐड करनी पड़ती है। अभी ये पूरा प्रोग्राम हमने एरे की मदद से किया है, लेकिन हमें यही प्रोग्राम पॉइंटर की मदद से करना पड़ेगा। और प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कैरेक्टर पॉइंटर एज अ स्ट्रिंग के तौर पर ट्रीट होता है, यानी कि हम a ऑफ 20 की जगह पे स्टार a लिखे तो भी परफेक्टली वैलिड है। तो मैं सिंपली उसको स्टार a कर देता हूँ। सेम वे b ऑफ 20 को मैं स्टार b कर देता हूँ, और c ऑफ 40 को मैं स्टार c कर देता हूँ, यानी कि अभी हमें स्टार p की कोई जरूरत नहीं है। और जहां जहां पे भी हमने a ऑफ i लिखा है वहां पे हम स्टार a प्लस i लिख देते हैं। वैसे a ऑफ i भी परफेक्टली वैलिड चीज है, यहाँ पे भी हम स्टार सी प्लस आई लिख देते हैं, उसके बाद नीचे भी हम स्टार सी प्लस आई कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम स्टार बी प्लस जे कर देते हैं, और फिर लूप के बाहर हम कंबाइंड स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देते हैं। तो उसके लिए मैं मैसेज लिखता हूँ कि कंबाइंड स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू परसेंटेज एस, और परसेंटेज एस की जो भी वैल्यू है वो हम सी से रिप्लेस कर रहे हैं। सो अभी हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है, तो मैं सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूँ, जहां पे मैं फर्स्ट स्ट्रिंग के तौर पे हेलो इंसर्ट कर रहा हूँ और सेकंड स्ट्रिंग के तौर पे वर्ल्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कंबाइंड स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने इसी स्ट्रिंग को कंबाइन करके देखा है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं फर्स्ट स्ट्रिंग के तौर पे कंप्यूटर इंसर्ट कर रहा हूँ और सेकंड स्ट्रिंग के तौर पे इंजीनियरिंग इंसर्ट कर रहा हूँ, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कंबाइंड स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कि परफेक्टली सही है। पर इस स्ट्रिंग को हमने मैन्युअली कंबाइन करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली कंबाइन करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी लेंथ की दो स्ट्रिंग को पॉइंटर की मदद से इजीली कंबाइन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।